और यौनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। 2023 के अप्रैल महीने में स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन छेड़ा जाएगा, जो कि हम रोड पर ना होकर के अपने घरों में आराम करेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, सरकार को मना कर छोड़ेंगे। जो व्यवस्था जो हम आज चंदा इकट्ठा करके अपने ड्राइवर समाज के लिए कर रहे हैं, वो हम सरकार से चाह रहे हैं कि सरकार हमारे लिए व्यवस्था चलाए। आखिर हम कब तक 500 रुपये की चंदा लेकर के और ड्राइवरों की सहायता करेंगे। हो सकता है कि कभी ऐसी हमारे साथ कोई घटना घट जाए कि 10-15 लोगों की घट हो जाएगी, तो हम कितनी व्यवस्था अपने बच्चों की चलाएंगे, अपने परिवार को देखेंगे कि चंदा इकट्ठा करके हम ड्राइवरों को व्यवस्था। देखिए, हमने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है जिसमें कि ड्राइवर के एक्सीडेंट जब होता है, मर जाता है ड्राइवर, उसका देहांत हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, विधवा पत्नी हो जाती है, तो उसके व्यवस्था के लिए हमने सरकार से 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मांग रहे हैं उसके लाइसेंस पर, कि उसके निराश्रित परिवार को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सरकार दे। और उसके जो उसकी औरत जो पत्नी है विधवा हो जाती है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन प्रदान किया जाए, और उसके बच्चों के लिए शिक्षा चिकित्सा सरकार द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए, कोई मुहिम चलाई जाए, आरक्षण बनाए जाए ड्राइवर के लिए, ताकि उसके परिवार को ये सब व्यवस्था सरकार की तरफ से मिल सके। वाहन चालक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ड्राइवर यूनियन की तरफ से हम अपने देश के सभी सम्मानित ड्राइवर साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और हम सभी ड्राइवर साथियों से अनुरोध करेंगे कि अपनी भाईचारा को और एकता को बनाओ, अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए सभी एक साथ हो जाओ, तभी जा करके आप इस अपने अधिकार और सम्मान को बरकरार रख पाओगे। अन्यथा हर दिन जिस तरह आपका शोषण हो रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टरों में आप ड्यूटी करते हो, गाड़ी चलाते हो, आपको जब चाहे जहां चाहे आपको अपमानित कर दिया जाता है, आपका वेतन रोक लिया जाता है। हमने तो यहां तक देखा है कि ड्राइवर जब घर जाता है, उसे को पैसे की ज़रूरत होती है, तो अगर वो छुट्टी मांगता है ट्रांसपोर्टर से, तो वो उसको पैसे देने के बजाय उसको ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा करके लोग उसे प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, बाथरूमों में बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास वीडियो आई है, हमारे पास पैर भी आती है कि सर हमारे साथ इस तरह से हो रहा है, ग्रीस पोतते हैं, नंगे कर करके पीटे जाते हैं ड्राइवर को। इसलिए हम सभी ड्राइवर साथियों से अनुरोध करेंगे, आग्रह करते हैं, आपका हम आह्वान करते हैं कि आप सभी एक साथ हो जाओ। वाहन चालक कल्याण समिति आपकी सुरक्षा आपके सम्मान के लिए निकल पड़ी है, और आपको आवाज़ देती है कि अब आपका वो समय आ चुका है कि आप अपने अधिकार के लिए वाहन चालक कल्याण समिति के साथ रहें और कदम से कदम मिलाकर चलें, अपने सम्मान को बरकरार रखें। और जो हमने सरकार के सामने आपके सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो हमने मांगे रखी हैं, वो हम आपको दिलाकर रहेंगे अगर आप हमारे साथ एक हो जाते हैं, और अपनी संख्या के आधार पर आप जब सरकार के सामने जाएंगे तो आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा, ना तो कोई आपके अधिकारों को ले पाएगा। सर कागजात इनके प्रूफ हैं, आप देख लीजिए, जो कि कौन सी रामनगर जिम कॉर्पोरेट उत्तराखंड नेहा झा, उत्तराखंड सरकार को अवगत भी कराया गया कि इस प्रकार से हमारे साथ हुआ है। कोरोना महामारी में हम यात्रियों को पहुँचाते थे, उस ये देखिए 11,000 रुपये की ऑनलाइन चलान इन्होंने कर दिया, और जो है कि ये परमिट भी गाड़ी की जब्त कर लिए, उत्तराखंड सरकार को अवगत भी कराया गया कई बार, एक यूनियन के माध्यम से उनको लेटर भी दिया गया, कलेक्टर साहब को दिया गया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। चलान मेंशन डेट है 2/2/21, हमारी कटी है 2/12/21, उस समय सरकार की डेट भी सही नहीं देते हैं। बताइए, कोरोना काल के जिस डेट में सरकार ने जारी किया था कि चलान नहीं होगा, हाँ, वो डेट को छोड़ के किसी और डेट में डाल दिया, मतलब गलती है, 2/12/21 को कटी है रिश्वत, 5,000 रुपये मांग रही थी नेहा झा आरटीओ रामनगर जिम कॉर्पोरेट की, मैं नहीं दिया तो ऑनलाइन 11,500 चलान काट रखे हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ, आरती भी मेरे रखे कहाँ, ये ऑनलाइन 11,500 की है 2 दिसंबर 2021 का, उस समय भी सरकार की गाइडलाइन में हमारी गाड़ी का कोरोना काल के लिए माफ था।
उस समय भी मतलब वो पालन हो रहा था कि मतलब कोई प्रशासनिक कर्मचारी इस तरह का काम ना करे। पुष्कर सिंह धामी को भी अगर इसमें अब कोई हमसे ये जानकारी लेना चाहे कि क्या प्रशासन भ्रष्ट नहीं है और इससे बड़ा क्या प्रमाण आपको दे सकते हैं कि सरकार की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है।